हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज का इस वीडियो में मैं प्रून करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था जब प्रून का एक प्रैक्टिकल दिखाइए, तो मैं आज आप लोगों को प्रून करके दिखाने वाला हूँ कैसे प्रून किया जाता है रोज प्लांट को। प्रून करने से पहले आप लोगों को चाहिए एक प्रूनर और उसके साथ चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्रूनर को सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्साइड से पोंछ लीजिए, जिसमें इसमें कोई फंगस या बैक्टीरिया हो तो मर जाएगा। फिर मेरा जो इस प्लांट का शेप है आप देख सकते हैं ऐसे ऊपर में, इसी शेप को मैं इस शेप में ही रखूंगा। मैं देखिए यहाँ पे ये जो ब्रांच निकला है इसको 3 नोड या 4 नोड आइस रख के काट दूंगा। तो मैं इसको हार्ड प्रून नहीं करूंगा, लाइट प्रून कर दूंगा इसको। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये मेरा ये स्टेम है लेकिन इससे ये निकला है, तो मैं इस यहाँ से कट कर दूंगा। देखिए इस थिकनेस का जितना ब्रांचेस है उसको लूंगा, बाकी सारा कट कर दूंगा। देखिए इसको मैं कट कर दिया हूँ, कर देता हूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। आपका जो प्रूनर है उसका धार जो है वो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अच्छा कट नहीं लगेगा। अच्छा कट अगर नहीं लगेगा तब जाके उस प्रूनिंग एरिया में फंगस लग सकता है, इसलिए शार्प ऑब्जेक्ट से हमेशा कट करना चाहिए। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से निकला है तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। फिर इसको घुमा लेता हूँ थोड़ा। ये देखिए ये देख सकते हैं, ये को मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रांचेस है वो अंदर की तरफ था तो मैं इसको ऑफ कर दिया। इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये जो स्टेम्प है इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। अब रह गया है एक ही ब्रांच, इसको मैं कट कर दिया। करीब करीब प्रून हो चुका है और जितना भी लिप्स है उसको भी कट करना पड़ेगा, नहीं तो इस लिप्स के नीचे जो रहता है माइट लिप्स वो फिर जो नया सूट निकलेगा उसमें आ जाएगा, इसलिए सारा लिप्स को मैं ड्रॉप कर दूंगा। एकदम फ्रेश हो जाएगा मेरा प्लांट। देखिए सारा लिप्स को मैं काट दूंगा। देखिए ये थोड़ा मैच्योर नहीं है, हेल्दी नहीं है, इसको मैं कट लगा देता हूँ। ये अंदर की तरह गया है, इसको कट लगा देता हूँ।
और ये इसको देखिए, तो इसको मैं बाहर की तरफ कर दूंगा। ये देखिए सूखा हुआ ब्रांच है, इसको कट कर दिया। ये सिर्फ 45 एंगल करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ ऐसे सभी को थोड़ा थोड़ा। ये इसका प्रूनिंग कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही प्रूनिंग करना चाहिए। देखिए इसमें मैंने इस टाइप का ही ब्रांच मैंने सिलेक्शन किया है, इसीलिए सारा प्लान में आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो इससे पहले का वीडियो में मैं बताया था, जो एक ही टाइप का देखिए ये क्रॉस हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। एक टाइप का ब्रांच मैंने इसमें रखा है एक ही थिकनेस का। अब जितना भी ब्रांच मेरा ये प्लान पे था वो एक ही टाइप का है। जो ये इंटर क्रॉस कर रहा है तो इसको मैं काट सकता हूँ, या इसको मैं अभी वायरिंग करके उसको बाहर तरफ निकाल सकता हूँ। इसका टेक्निक मैं बाद का कोई वीडियो में दिखा दूंगा। जैसे इसको मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सॉफ्ट वे है अभी भी, ब्रांच मैच्योर है, इसीलिए इसको ऐसे निकाल के मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ इसीलिए कर नहीं पा रहा हूँ। इसको ऐसे निकाल के ऐसे तार से बांध दूंगा। तो इसको ऐसे करके भी मैं कभी कभी सेव देता हूँ प्लान को, क्योंकि ये बाहर से आएगा तो ये थोड़ा अच्छा होगा। तो इसको मैं रख देता हूँ, और ये लिप कुछ बच गया है इसको मैं काट देता हूँ। तो ये हो गया इसका प्रूनिंग कंप्लीट। तो इसका बाद नहीं, इसको थोड़ा तो ये एकदम कंप्लीट हो गया। इसका बाद मेरे पास और एक प्लांट है, दूसरा प्लांट में जाने से पहले मुझे फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अपना प्रूनर वॉश कर लेना है, या उससे भीगो के। देखिए ये जो है ना, इसको मैं एकदम लाइट प्रूनिंग करूंगा, क्योंकि ये पॉलीएंथा वैरायटी है, और पॉलीएंथा में एकदम सॉफ्ट लाइट प्रूनिंग होता है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ करना, प्रून करना। पॉलीएंथा में क्या होगा, मेरा जो सेप है वही सब कुछ है, सेप देना पड़ेगा इसका, तब जाके एक साथ जब फुल फ्लावर आएगा, फ्लावरिंग करेगा तब अच्छा लगेगा देखने में। हमेशा कोशिश करना चाहिए एक ही जैसा ब्रांच को रखने के लिए, तो एक साथ फ्लावरिंग आता है तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, एक ही हाइट में।
देखिए थोड़ा सेट दिया हूँ और फिर इसको कट कर रहा हूँ। पॉलीएंथा में अगर सुंदर शेप रहेगा प्लांट में तो जब फ्लावरिंग करेगा तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये है फ्लेम बॉय का मेरा प्लांट। इसमें बहुत ब्रांच है। आप लोगों को पहले इसके इस प्लांट के ऊपर दिखाया था कि कैसे शेप देना चाहिए, कैसे मल्टी ब्रांच करना चाहिए। अगर ब्रांचेस ज़्यादा रहेगा तो हमेशा फ्लावर अच्छा खिलेगा। देखिए देखिए एक शेप दिया हूँ मैं।